नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब जल्द ही 8 घंटे में पटना से दिल्ली का सफर होगा तय। हाजीपुर रक्सौल डेमू अब दानापुर से होगी शुरू। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने में पटना बना नंबर 1। अगले 48 घंटे तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार। सूबे के सहकारी बैंकों की दशा सुधारने की होगी पहल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SECL बिलासपुर ने निकाली रिक्तियां। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर ने क्लर्क ग्रेड 3 के 196 पदों पर बहाली निकाली है। इसमें SC के लिए 90, ST के लिए 37 और UR के लिए 69 सीट आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक का मैट्रिक या समकक्ष डिग्री के साथ 3 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया लिखित टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जरिए होगी। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए और साथ ही साथ आवेदन भरने के लिए www.sel-cil.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक को जाकर चेक कर सकते हैं। अब जल्द ही 8 घंटे में पटना से दिल्ली का सफर होगा तय। राजधानी पटना से नई दिल्ली का बाई रोड सफर अब महज 8 घंटों में पूरा हो जाएगा और यह चमत्कार ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे से होगा। बीते दिन शनिवार को आरा में रेल ओवरब्रिज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करने के दौरान ये बातें कही गई। आपको बताते चले कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लागत 8,000 करोड़ रुपए है। पहले यह नई दिल्ली से गाजीपुर तक ही प्रस्तावित थी, मगर अब से पटना तक इस परियोजना का विस्तार किए जाने के बाद नई दिल्ली से पटना तक का सड़क का सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो सकेगा। साथ ही साथ आरा और बक्सर के सड़क यात्री को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं आरा में जिस रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया है वो दोनों और शहर के 0 माइल और कायम नगर से जुड़ेगा। इस रिंग रोड की कुल लंबाई 11.80 किलोमीटर होगी। इसमें आवागमन में काफी आसानी होगी। देर रात तेज प्रताप यादव पहुंचे पटना यूनिवर्सिटी छात्रावास। तेज प्रताप यादव के करीबी कहे जाने वाले आकाश यादव के छात्र राजद अध्यक्ष पद से हटने के बाद लोजपा ज्वाइन कर लेना अंदर ही अंदर छात्र राजद में टूट की आशंका को खड़ा कर रहा है। इसको लेकर शनिवार रात्र को छात्र राजद के संरक्षक तेज प्रताप यादव अचानक से पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास पहुंच गए और करीब 1 घंटे तक छात्रों के बीच रहे। औचक आगमन पर तेज प्रताप ने कहा कि लंबे समय के बाद आप सभी के बीच आने का मौका मिला है, अब मैं ज्यादातर समय यहीं पर गुजारूंगा, छात्रों की समस्याओं को उठाना है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन ही अचानक राजद कार्यालय पहुंचे तेज प्रताप यादव ने मीडिया को बताया कि वो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी गेस्ट के रूप में नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए शो के लोगों को फ्लाइट की टिकट भेजनी होगी। सूबे के सहकारी बैंकों की दशा सुधारने की हुई पहल। बिहार के सहकारी बैंकों के दिन अब जल्द ही बदलने वाले हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने इसकी दिशा में सुधार की बड़ी पहल की है। फैसले के मुताबिक अब सरकार धनराशि को राज्य के सहकारी बैंकों की वैल्यू बढ़ाएगी। बीते दिन राजधानी पटना में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 72वीं आम सभा का उद्घाटन करने के दौरान डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने ये बातें कही है। साथ ही ये भी कहा है कि जल्द ही वाणिज्यिक बैंक की तरह सहकारी बैंकों में भी रुपए के लेन देन शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ किसानों को 0% इंटरेस्ट पर किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी करने का विचार किया गया है। बाढ़ संकट के बीच लापरवाह 5 दर्जन से ज्यादा इंजीनियरों पर गिरेगी गाज। राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ संकट से जूझ रहे हैं। इस दौरान सरकार के द्वारा लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लापरवाह अधिकारियों के कारण लोगों की समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ गई है। दरअसल जल संसाधन विभाग में 22 जुलाई से 11 अगस्त के बीच लगातार 20 दिनों तक मुंबई अभियंता से लेकर कनी अभियंता तक का मोबाइल ट्रैकिंग कराया गया। विभागीय जांच के बाद यह पता चला कि ड्यूटी पर तैनाती करने के बावजूद भी कई लापरवाह इंजीनियर अपनी ड्यूटी में गायब पाए गए हैं। इसीलिए लापरवाही बरतने वाले 62 इंजीनियरों के ऊपर अब एक्शन लिया गया है। 62 में से 41 कनीय अभियंताओं के गायब रहने के कारण पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस कारण उन पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य इंजीनियरों पर सरकार नजर बनाए रखे हुए है। जाप युवा राष्ट्रीय महासचिव ने बिहार सरकार को बताया हिटलर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव 108 दिनों से जेल में सजा काट रहे हैं। हालांकि बीमार होने के कारण उनका इलाज DMCH में चल रहा है, उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल पाई। इस बीच बीते दिन जाप युवा राष्ट्रीय महासचिव यश शेखर पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव से मुलाकात करने DMCH पहुंचे, जहां अस्पताल से निकलकर मीडिया के सामने जमकर नीतीश सरकार पर बरसे। उन्होंने सरकार को हिटलर शाही नीति अपनाने वाला बताया और कहा कि पप्पू यादव बाहर निकलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए छटपटा रहे हैं। ऐसे मामले में तो उन्हें जल्द बेल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार के हिटलर शाही रवैये के कारण वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने ग्राहकों को दिया दिलासा। रेरा के द्वारा पल्लवी राज
कंस्ट्रक्शन के 3 बड़े प्रोजेक्ट के आवेदन को रद्द किए जाने के बाद ग्राहक असमंजस की स्थिति में है। इसको लेकर पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन कंपनी के सलाहकार ने ग्राहकों के कंफ्यूजन दूर करने को लेकर अपना पक्ष रखा है। सलाहकार ने दावा किया कि मापदंडों को पूरा करने के बावजूद उनके आवेदन को खारिज किया गया। यह मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है जिसकी अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। बताते चले कि कंपनी के 3 प्रोजेक्ट्स गोवा सिटी, मुंबई रेजिडेंसी और बॉलीवुड रेजिडेंसी के निबंधन के आवेदन को खारिज किया गया है। बिल्डर पर प्रोजेक्ट का नक्शा नहीं पास करवाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कंपनी की तरफ से ग्राम पंचायत से नक्शा पास करवाया गया था। पैरा ओलंपिक खेलों में 53 साल के बाद रचा गया इतिहास। टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की भाविन्या पटेल ने 53 सालों के बाद इतिहास रच दिया है। टेबल टेनिस में रजत पदक जीतकर भाविन्या ने देश का नाम रोशन किया है। टेबल टेनिस क्लास 4 स्पर्धा के महिला एकल फाइनल में रविवार को चीन की झाओ यिंग के खिलाफ सीधे गेम में वो भले ही गोल्ड पर कब्जा नहीं जमा पाई, लेकिन भारत के नाम भाविन्या ने रजत पदक हासिल किया है। भाविन्या ने अपने पदक देश को समर्पित करते हुए कहा कि आज मैच के दौरान मैं थोड़ा सा नर्वस जरूर हुई थी, इस वजह से मैं अपनी खेल रणनीति से ठीक से इसे लागू नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि अगली बार मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। नीरज बबलू के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर जदयू नेता ने किया पलटवार। बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने जनसंख्या नियंत्रण के नहीं रुकने पर भारत के अफगानिस्तान जैसे हालात होने का विवादित बयान दिया था, जिस पर जदयू नेता ने पलटवार किया है। और उस बयान का जवाब देते हुए जदयू नेता और विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि भारत की तुलना दूसरे देशों से नहीं की जा सकती है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों की जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर जनगणना होगी तो अल्पसंख्यक भी शामिल किए जाएंगे। जातिगत जनगणना को लेकर हमारा स्टैंड साफ है। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना को लेकर खूब सियासत हो रही है, जिसमें जदयू बढ़ चढ़ करके इसे लागू करवाना चाहती है। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने में पटना बना नंबर 1। बिहार के सभी जिलों में दिसंबर तक पूरी तरह वैक्सीनेशन का काम किए जाने की कवायद चल रही है। पहली डोज के अलावा कई लोगों को अब दूसरी डोज भी लगाई जा रही है। वहीं कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने में पटना सबसे अव्वल आया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन 2 की रैंकिंग रिपोर्ट में पटना ने 51% उपलब्धि हासिल की है, जबकि 37% कवरेज के साथ गोपालगंज जिला दूसरे नंबर पर है। इसके तहत टॉप 5 जिले और 5 पिछड़ने वाले जिलों की सूची तैयार की गई है। इसमें पटना सबसे ऊपर और अरवल जिला 8% के साथ सबसे नीचे आया है। टॉप 5 में पटना, अरवल, पूर्णिया, भागलपुर और सिवान जिला शामिल है। हाजीपुर रक्सौल डेमू अब दानापुर से होगी शुरू। हाजीपुर से रक्सौल तक चलने वाली 03-2-1516 रक्सौल हाजीपुर हर रक्सौल स्पेशल डेमू सवारी गाड़ी को अब हाजीपुर के बजाय दानापुर से चलाने का निर्णय लिया गया है। कुछ दिन पहले ही इस ट्रेन को हाजीपुर के बजाय पाटलिपुत्र तक विस्तार दिया गया था। हालांकि अब यह सीधी रेल सेवा दानापुर से शुरू होगी। इससे पटना के लोगों को रक्सौल तक जाना आसान हो जाएगा। साथ ही पर्यटन के उद्देश्य से पटना से नेपाल भी जाना आसान हो जाएगा। यह ट्रेन रक्सौल से प्रतिदिन सुबह 6 बजे प्रस्थान कर सीतामढ़ी, डुमरू, गढ़ा, न्यू रुन्नी सैदपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए सुबह 11:35 पर हाजीपुर पहुंचेगी, जिसके बाद 12:33 पर पाटलिपुत्र होते हुए 12:55 पर दानापुर पहुंचेगी। इस तरह दानापुर से यह शाम 3:15 पर खुलकर उपरोक्त रास्ते से होते हुए रात के 11:40 पर रक्सौल पहुंचेगी। साल 2022 तक ओप्पो कंपनी पहुंचेगा 600 सर्विस सेंटरों तक। बहुत ही कम समय में स्मार्टफोन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले ब्रांड ओप्पो भारत में सैकड़ों लोगों की पसंद बन चुका है। दुनिया भर में ओप्पो अपनी बेहतरीन सर्विस के लिए जाना जाता है। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक ओप्पो आफ्टर सेल सर्विस देने के मामले में लगातार 2 साल से नंबर 1 स्थान पर है। ओप्पो भारत में ऐसा पहला स्मार्टफोन सर्विस देने वाला ब्रांड है जिसके कॉल सेंटर अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली सहित 9 भाषाओं को सपोर्ट करता है। वहीं अब इस कंपनी ने साल 2022 तक के लिए अपने सर्विस सेंटर नेटवर्क को 600 से ज्यादा सेंटर तक पहुंचाने की योजना बनाई है। दानापुर में सेना भर्ती की प्रक्रिया 10 सितंबर से होगी शुरू। दानापुर स्थित इंडियन आर्मी के सेंटर पर जवान समेत अलग अलग पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया 10 सितंबर से होने वाली है, जिसमें केवल बिहार रेजिमेंट सेंटर यूनिट मुख्यालय कोटा के तहत सैनिकों के आश्रितों की ही भर्ती होगी। इसमें बिहार के अलावा झारखंड और उड़ीसा के उम्मीदवारों को भी मौका मिल रहा है। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 10 सितंबर को सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर लिपिक, SKT, जबकि 11 सितंबर को झारखंड के लिए, 12 सितंबर को ओडिशा के अभ्यर्थी के लिए और 13 सितंबर को राज्य के अन्य अभ्यर्थी के लिए सेना भर्ती रैली होगी। बताते चले कि दानापुर सेना केंद्र की तरफ से सामान्य युवा के लिए भी नियमित अंतराल पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है। सोल्जर GD के लिए उम्र 17.5 से 21 वर्ष और सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर लिपिक, SKT के लिए 17.5 और 23 साल के अभ्यर्थी रैली में शामिल हो सकते हैं। अगले 48 घंटे तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश
के हैं आसार। सूबे में कई हिस्सों में आज और कल झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह स्थिति कमोबेश कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार के बांका, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में देखने को मिलेगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 के आसपास रहने की उम्मीद है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे धूप की तपिश से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं ऐसी स्थिति दो दिनों तक रहने की संभावना है। तीसरे टेस्ट में चोटिल हुए जडेजा अस्पताल में हुए भर्ती। बीते दिन भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच में भारत को शर्मनाक हार मिली। हालांकि इस दौरान मैच के अंत में रविंद्र जडेजा ने संभालने की पूरी कोशिश की थी और 30 रन बनाए, हालांकि वो असफल रहे। वहीं से भी जडेजा के घुटने में चोट भी लग गई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद फैंस के साथ शेयर की है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मैच खत्म होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका स्कैन कराया गया। जानकारी के मुताबिक उनके घुटनों में चोट लगी थी, जिसका स्कैन करवाया गया है। उनकी चोट को लेकर अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि जडेजा ने अस्पताल में मौजूद होने की तस्वीर शेयर की है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार जातिगत जनगणना का होना जरूरी है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।